भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लड़ाकू विमानों में एक सुखोई 30 और एक मिराज 2 है। दोनों विमान प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक 3 पायलटों में से 2 का पता चला है, जबकि 1 पायलट की मौत हो गई है। दोनों पायलट घायल हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर वायुसेना प्रमुख द्वारा मामले की जानकारी भी दी गई है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि दोनों फाइटर जेट्स ने ग्वालियर एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। खोज और बचाव अभियान जारी है। हताहतों के बारे में इंतजार है। मुरैना में स्थानीय लोगों द्वारा शूट किए गए वीडियो में विमान का मलबा जमीन पर पड़ा देखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, मुरैना के कॉलर्स के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव और राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। यहाँ बता दें कि लगातार रक्षा मंत्रालय भी इस मामले की निगरानी कर रहा है। हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ, इस बारे में आप आए हुए हैं, कौन कौन यहाँ उपस्थित है आला अधिकारी? ये पारगढ़ हमारे क्षेत्र में है, ये दुर्घटना बहुत खतरनाक दुर्घटना हुई है। जो हेलीकॉप्टर टकराने से बॉडियों की छितले छितले उड़ी है, वो हमें सहन नहीं हो रही है, बहुत दुर्घटना कर रही हुई है। और यहाँ इस दुर्घटना में आए उपस्थित सभी लोग, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, हम भी लोग सभी साथ में और इसका मुआयना कर रहे हैं, बाकी सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं।